गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर न्यूरेज एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये कोचिंग कानपुर में काकादेव में स्थित है। आज बच्चों, मैं आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे कि कैसे तुल्यांकी भार को निकाला जाता है, क्योंकि तुल्यांकी भार से एक क्वेश्चन यूपी कैडेट में पूछा जाता है। जैसा कि मैं पहले भी, हमारे जो लेक्चर हैं वो यूपी कैडेट को ध्यान में रख कर के ही बनाए गए हैं, क्योंकि आपके परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे तुल्यांकी भार की। इसको इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। चलिए, सबसे पहला फार्मूला आपको देते हैं। अणुभार, अणु भार बराबर होता है दो गुणते वाष्प घनत्व। देखिए, अगर आपको वाष्प घनत्व पता हो तो आप अणुभार निकाल सकते हैं, और अणुभार पता हो तो वाष्प घनत्व निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये आपका अणुभार है, अणुभार। तो पहला फार्मूला आपके पास आ गया है, अणुभार बराबर दो गुणते वाष्प घनत्व। चलिए, दूसरा फार्मूला, किसी तत्व का तुल्यांकी भार, तत्व का तुल्यांकी भार, किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। देखिए, किसी तत्व का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार, परमाणु भार बटे उसकी संयोजकता। देखिए बच्चों, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। अगर आपको परमाणु भार पता है, संयोजकता पता है, तो तत्व का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। और बात करें संयोजकता की, तो जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्षार धातुओं की संयोजकता एक होती है। क्षार धातुओं की संयोजकता एक रखते हैं, और क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता दो रखा जाता है। फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्षार धातुओं की संयोजकता एक रखते हैं और क्षारीय मृदा धातुओं की संयोजकता दो रखी जाती है। तो हमने कहा भाई, परमाणु भार पता है, संयोजकता पता है, तो हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमाणु भार निकालना हो, आपको चाहिए परमाणु भार, तब आप क्या करेंगे, तो परमाणु भार बराबर ये इधर आ जाएगा, तो तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार गुणते संयोजकता। ये देखिए, तो अगर आप परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणते संयोजकता। जैसा कि बच्चों मैंने कहा कि संयोजकता क्षार धातुओं की एक होती है और क्षारीय मृदा धातुओं की दो होती है। तो देखिए, क्षार धातुओं किसको कहा गया, फर्स्ट ए की धातुओं को क्षार धातुएं कहा गया, और सेकेंड ए की धातुओं को क्षारीय मृदा धातुएं कहा गया। फर्स्ट ए में आता है आपका है लीना की रब से फरियाद, सेकेंड ए में आता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो यहाँ पर ये जो आपकी धातुएं हैं, यहाँ पर इनकी संयोजकता दो होगी, जबकि है लीना की रब से फरियाद। तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपके जो धातुएं हैं, यहाँ पर सब में संयोजकता कितनी होगी, प्लस एक होगी। तो आपने देखा कि संयोजकता ये आपकी क्षार धातुएं हैं, और ये क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणते संयोजकता। अब देखिए, अगर हमने कहा भाई तुल्यांकी भार निकालना है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और इसी को आप चेंज कर लीजिए। अगर परमाणु भार निकालना है, तो इसको इधर गुणा कर दीजिए, तो परमाणु भार बराबर हो जाएगा तुल्यांकी भार गुणते संयोजकता। लेकिन सोचो, अगर संयोजकता निकालनी होती, अगर आपको संयोजकता चाहिए, आपको संयोजकता निकालनी है, तो संयोजकता निकालनी है, तो संयोजकता बराबर हो जाएगा परमाणु भार बटे, ये संयोजकता इधर आ जाएगी, तुल्यांकी भार इधर आ जाएगा, तो बटे
तुल्यांकी भार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संयोजकता, अगर आपको देखिए, अगर आपको तुल्यांकी भार पता है किसी तत्व का और परमाणु भार पता है किसी तत्व का, तो आप संयोजकता निकाल सकते हैं। बिल्कुल देख लीजिए आप, केवल अभी तक आपको दो फार्मूला याद करना था, एक इसको और एक इसको, क्योंकि ये याद हो गया तो ये अपने आप बना लोगे। तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, अगर परमाणु भार निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, तो देखो परमाणु भार बराबर तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, अगर संयोजकता निकालना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, संयोजकता बराबर परमाणु भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। पांचवें फार्मूले में अब हम बात करेंगे कि कोई धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड, एक धातु ऑक्साइड है हमारे पास, धातु ऑक्साइड का मतलब धातु, आपके पास यम ये धातु है और ओ ऑक्साइड है, इस तरह का एक धातु ऑक्साइड है, और धातु ऑक्साइड में धातु का तुल्यांकी भार निकालना है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आपको बताएंगे सभी फार्मूले पे कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो धातु ऑक्साइड में धातु का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा, तो तुल्यांकी भार, धातु का तुल्यांकी भार बराबर होता है बच्चों धातु का भार, धातु का भार, धातु का भार दिया होगा, धातु ऑक्साइड है, धातु का भार दिया होगा, तो धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार, बटे ऑक्सीजन का भार गुणते आठ। देख लीजिए, अगर धातु ऑक्साइड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर धातु ऑक्साइड है और धातु ऑक्साइड में धातु का तुल्यांकी भार निकालना है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, धातु का भार बटे ऑक्सीजन का भार गुणते आठ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक में एक जगह नहीं मिलेंगे आपको। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न आपके परीक्षा में कैसे आएगा, इसी पर देखिए, एक प्रश्न आएगा कि एक धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन 40% है, कितने परसेंट है, 40%, ये प्रश्न है कि एक धातु ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन 40% है, जिसमें ऑक्सीजन 40% है, तो धातु का तुल्यांकी भार बताइए, धातु का तुल्यांकी भार बताइए। ये देखिए प्रश्न आपका, फिर से समझ लीजिए, एक बोलेंगे धातु का ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन कितना है, 40%, और तो धातु का तुल्यांकी भार बताइए, तो देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि जब धातु ऑक्साइड है तो टोटल 100% होता है, तो टोटल 100% में ऑक्सीजन कितना है, 40%, तो बताओ ये कितना होगा, तो 100 - 40 / 60, ये देखिए आपका 60 ग्राम। अब आप सवाल लगा लीजिए, ये आ गया धातु का भार, ये 60 ग्राम जो आ गया, क्या आ गया, धातु का भार आ गया है, ऑक्सीजन का भार होगा 40। तो अब लगा दीजिए, अब सब फार्मूला लगा दीजिए, धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु का भार कितना है, 60 / ऑक्सीजन का भार कितना है, 40, गुणते कितना करेंगे, 8, तो 8 × 5 = 40, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो ये आ गया 12। देख सकते हैं यहाँ पर धातु का तुल्यांकी भार कितना आ गया है, 12, ये है आपका आंसर। नोट कर लीजिए बच्चों,
क्योंकि ऐसे सवाल आपकी किताब में दिए हैं और परीक्षा में लगभग बराबर पूछे जा रहे हैं। इस तरह का सवाल देख लीजिए, धातु ऑक्साइड का केस था आपके पास, ऐसा सवाल देंगे कि एक धातु ऑक्साइड है तो यहाँ पर तुल्यांकी भार बताइए। नोट कर लिया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें इसी में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसे होगा। अभी आपको दिया था ऑक्सीजन इतने परसेंट है, तो हो सकता है अगर आपको ऐसा दिया होता कि ये धातु, एक धातु ऑक्साइड है जिसमें धातु आपका 40% है, तो आप समझ सकते हो जब धातु 40 है तो ये कितना होगा, 100 - 40 तो कितना हो गया 60। तो ये ऑक्सीजन का भार आ गया, ये धातु का भार हो गया, बस ख़त्म। तो यहाँ पर दो प्रकार के सवाल बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम निकालेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। किसी अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार। बटे अम्ल का अणुभार, ठीक है, बटे होता है आपका क्षारकता। ये देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार आपको चाहिए। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता। कैसे, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि H2SO4, ये आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो देखिए तुल्यांकी भार बराबर इस अम्ल का अणुभार। चलिए अणुभार निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं H2SO4 अणुभार कैसे निकालोगे, एक हाइड्रोजन का एक होता है, सल्फर का बट्टा 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो दो हाइड्रोजन है तो दो हो गया, सल्फर का कितना हो गया 32 और एक ऑक्सीजन का 16 है, तो चार ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 × 64, 2 × 2 = 4, 4 = 8 और 6 × 3 = 9। ये देखिए 98 ग्राम आ गया है, तो ये आ गया आपका 98। देखा आपने H2SO4 का हमने अणुभार निकाल लिया है, अणुभार कितना आ गया है 98 आ गया है। यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे क्षारकता, तो देखिए यहाँ पर H2SO4 में इसकी क्षारकता कितनी होगी, इसकी क्षारकता होगी 2, क्योंकि इससे दो हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और SO4 अलग, तो ये जितने हाइड्रोजन अलग होते हैं वही उसकी क्षारकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 की क्षारकता कितनी है 2, तो 2 से भाग दे दीजिए, तुल्यांकी भार बराबर 98/2, तो 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18। देखिए ये आपका तुल्यांकी भार आ गया 49, ये आपका आंसर आ गया। H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्षार का तुल्यांकी भार। आप लिखते चलिए, यहाँ पर अब हम देखेंगे क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो क्षार का तुल्यांकी भार वाला क्षार का अणुभार बटे इसकी अम्लता। क्षार की अम्लता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है। चलिए अब यहाँ पर ये फार्मूला आ गया, क्षार का तुल्यांकी भार वाला अणुभार बटे अम्लता। तो यहाँ पर एक सवाल भी ले लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा NaOH, देखिए ये क्षार है, इसमें OH है तो क्षार है, तो NaOH का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, तुल्यांकी भार। तो देखिए NaOH का तुल्यांकी भार E मतलब तुल्यांकी भार बराबर इसका अणुभार कितना होगा, तो देखिए अणुभार हम निकालेंगे NaOH, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1,
तो 6 3 9 1 10 3 1 4 40 आ गया है। तो 40 बटे इसमें OH कितने हैं, एक OH है, तो इसलिए इसकी अम्लता कितनी हो गई, एक। जितने OH होंगे उतने ही उसकी अम्लता होगी, तो OH एक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 40। तो ये आ गया आंसर, NaOH का तुल्यांकी भार कितना आ गया है, 40। E का मतलब तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। तो हमने देखा अम्ल का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार। चलिए आगे देखते हैं, किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो लवण का तुल्यांकी भार, किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है उसी का अणुभार, अणुभार बटे। अब यहाँ पर लवण है चूंकि, तो यहाँ नीचे कुल, यहाँ नीचे लेंगे कुल धनावेश, कुल धन आवेश, कुल धनावेश। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaCl, NaCl का तुल्यांकी भार, क्या तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। NaCl एक लवण है, तो यहाँ Na पे देखो प्लस का एक होता है, Cl पे माइनस का एक होता है, तो चाहे आप माइनस वाला चार्ज ले लो, चाहे प्लस वाला, चाहे माइनस वाला चार्ज ले लो, चाहे प्लस वाला, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, धन देखिए कुल धनावेश ले सकते हैं या कुल ऋणावेश। तो देखिए तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो इसका अणुभार, तो देखिए अणुभार NaCl सोडियम का होता है, 23 क्लोरीन का होता है, 35.5, तो ये 5 5 3 8, और ये देखिए 58.5 बटे। अब यहाँ पर हम कुल धनावेश कितना है, एक, तो एक से डिवाइड कर दिया, तो देखिए E बराबर आ गया 58.5, ये आपका आंसर आ गया। ये लवण का तुल्यांकी भार है। इसी तरह से हम Mg अगर Cl2 होता, Mg Cl2, तो हमें पता है Mg पे प्लस का दो चार्ज होता है, Mg पे प्लस का दो चार्ज होता है, तो अगर Mg Cl2 होता तो हम दो से डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ पर कुल धनावेश से डिवाइड करना है। ये तो लवण का हो गया तुल्यांकी भार। अब देखिए कुछ प्रश्न इस तरह के होते हैं, मूलक, मूलकों का तुल्यांकी भार, मूलकों का तुल्यांकी भार। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका सल्फेट है, ये देखिए सल्फेट का हमें तुल्यांकी भार निकालना है, इसका हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तो हम सब काम वही करेंगे, सबसे पहले इसका अणुभार रखेंगे, तो अणुभार सल्फर का कितना होता है, 32, ऑक्सीजन का 16 चौको 64, तो 4 2 6 96, तो ये आ गया 96। अब देखिए यहाँ पर मूलक में क्या होता है, किससे डिवाइड करेंगे, ऊपर तो अणुभार रहेगा, लेकिन यहाँ पर मूलकों में जितना आवेश होता है, कितना आवेश है, एक एक, तो माइनस का दो है, तो साइन नहीं रखते हैं, केवल दो रखते हैं, तो 2 चौको 8 और 1 2 8 16, तो देखिए ये आ गया है सल्फेट मूलक का तुल्यांकी भार। सल्फेट मूलक का तुल्यांकी भार यहाँ पर आपने देखा कितना है, 48 आ गया है। अब इसके बाद देखिए, अगर आपसे कोई कहे एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार बताइए, एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार, तो देखिए किसी तत्व का तुल्यांकी भार, किसी तत्व का तुल्यांकी भार पहले बता चुके हैं, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होता है उसका परमाणु भार, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 होता है, और नीचे फार्मूला होता है संयोजकता, तुल्यांकी भार किसी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, जैसे सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, वैसे एल्युमिनियम की 3 होती है। तो देखिए तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता, तो 3 9 27 आंसर आ गया है आपका 9। तो ये किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से देख लीजिए, अगर आपका कोई जैसे Cl- है इसका निकालना हो तो Cl का परमाणु भार ऊपर रखेंगे और जो आवेश होगा उससे भाग दे देंगे। इसके बाद बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, परमाणु भार गुणते विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल इस पे आता है और हर बार लगभग आता है,
आपको विशिष्ट ऊष्मा दिया होगा, परमाणु भार पूछेंगे, तो परमाणु भार देख सकते हैं यहाँ पर, परमाणु भार बराबर कितना 6.4 बटे विशिष्ट ऊष्मा। देखिए यहाँ पर अगर आपको सवाल में विशिष्ट ऊष्मा दी हुई है और परमाणु भार निकालना है तत्व का, तो क्या ऐसे निकालोगे? उसके लिए ये फार्मूला आपको सूत्र याद होना चाहिए, परमाणु भार बराबर 6.4 अपॉन विशिष्ट ऊष्मा। तो अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो यही सूत्र लगेगा। तो बच्चों आपने देखा किसी तत्व का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, अम्ल का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, क्षार का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, किसी मूलक का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, किसी आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, और अगर विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मलता, किसी विलयन की नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है। नॉर्मलता की हम बात करेंगे कि नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है, तो देखिए एक फार्मूला याद कर लीजिए, W इज इक्वल टू न्यू अपॉन 1000। W इज इक्वल टू न्यू अपॉन 1000, जहां पर W है पदार्थ का भार, W क्या है भार, और N जो है ये विलयन की नॉर्मलता है, विलयन की नॉर्मलता है, और जो V है ये वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन, और ये आयतन आपका ml में होना चाहिए, मिली लीटर में होना चाहिए। आयतन किस में होना चाहिए, ml का मतलब मिली लीटर में होना चाहिए। और जो E है यहाँ पर, ये E इक्विवेलेंट वेट है, E क्या है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, E क्या है इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर। तो अब देखिए अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है तो n बराबर नॉर्मलता, n बराबर ये कितना है आपका 1000 गुणते पदार्थ का भार यहाँ पर, या फिर विलेय का भार 1000 गुणते W विलेय का भार, और यहाँ पर इसके बाद ये आ जाएगा नीचे E और इनटू आ जाएगा V। V आपका आयतन, सुनिए अगर आपको विलयन की नॉर्मलता निकालनी है तो आपको विलेय का भार दिया होगा, ये आपका विलेय का भार है जो कि दिया होगा, ये भार ग्राम में होना चाहिए। इसके बाद आयतन दिया होगा आपको, आयतन किस में दिया होगा मिलीलीटर में दिया होगा, और E जो होता है ये होता है इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार निकालना हमने आपको बता दिया है। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, और इससे क्या है दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, अगर आपको विलेय का भार दिया है तो आपको नॉर्मलता निकलवाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मलता दी हुई है तो फिर वो आपसे विलेय का भार निकलवाएंगे। नोट कर लीजिए यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न हैं, अगर नॉर्मलता दिया है तो पदार्थ विलेय का भार निकलवाएंगे, अगर विलेय का भार दिया है, आयतन दिया है, तो नॉर्मलता निकलवाएंगे, यन का मतलब नॉर्मलता। अब इसके बाद एक और आता है, पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको मोलों की संख्या को यन से प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है यन से। पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। तो पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर, ठीक है मोलों की संख्या को यन से दिखाया जाता है, तो यन बराबर W, ये आपका पदार्थ का भार हो गया। इसके बाद यहाँ पर M,
ये आपका क्या हो गया, अणुभार हो गया। ये अणुभार ये तो आपको दिया होगा, ये दिया होगा आपको, अणुभार निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, देखो NaOH है जैसे, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये हो गया 40। H2SO4 हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 चौको 64, ये आ गया 98। तो देखिए इस तरह से आपको अणुभार निकालना पड़ेगा, पदार्थ का भार दिया होगा। अगर दोनों ये आपको पता चल गए हैं तो आप मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या निकाली जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और प्रश्न देखिए, ये आपका आयतन, ये आपके मोलों की संख्या और ये आपके अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। देखिए तीन प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, तीन प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं सवाल में। मोलों की संख्या निकालना हमने आपको बता दिया है, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है वो आप समझ चुके हैं। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणुभार, भार दिया होगा अणुभार निकालना पड़ेगा। अब अगर मोलों की संख्या आपको पता है या मोलों की संख्या दिया है और पूछ ले अणुओं की संख्या बताओ तो कैसे निकालेंगे, तो जो मोलों की संख्या आपको दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा गलती होती है बच्चों यहाँ, मोलों की संख्या जो दिया हुआ है बस उसमें आप एक काम करिए, अगर मोलों की संख्या दिया है और आपको क्या चाहिए अणुओं की संख्या चाहिए तो आप इसमें गुणा कर दीजिए, मोलों की संख्या में आप गुणा कर दीजिए 6.02 × 10²³ का। देखिए अगर आपके पास मोलों की संख्या है और अणुओं की संख्या में उसको बदलना है तो कुछ ना करिए, जो आपके पास मोलों की संख्या है उसमें आप इस संख्या से गुणा कर दीजिए 6.02 × 10²³। अब दूसरा सवाल देखिए, अगर अणुओं की संख्या दी हुई है और आपको चाहिए मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या दी हुई है और आपको चाहिए मोलों की संख्या, तो यहाँ पर आपने क्या किया था गुणा और यहाँ पर आप दे दीजिए भाग 6.02 × 10²³ का। देखिए अगर आपके पास अणुओं की संख्या है और आपसे पूछा गया मोलों की संख्या बताओ तो जो अणुओं की संख्या दी हुई है उसमें इस संख्या से भाग दे दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न हैं, अगर मोलों की संख्या दी हुई है, अणुओं की संख्या पूछी जा रही है तो आप मोलों की संख्या में गुणा कर दीजिए, लेकिन अगर अणुओं की संख्या दी हुई है और मोलों की संख्या पूछी जा रही है तो आप अणुओं की संख्या में इतने से भाग दे दीजिए। इसके बाद देखिए अगर आपको आयतन दिया हो किसी गैस का, गैस का आयतन दिया है और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मोलों की संख्या, मतलब आयतन दिया हो और उसको मोल्स में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम भाग दे देंगे कितना, 22.4 लीटर का भाग दे देंगे। अगर आपको किसी गैस का आयतन दिया है और उस गैस के मोलों की संख्या बनानी है, आयतन दिया हो और मोल्स में बदलना हो तो आप जो आयतन दिया है उसमें 22.4 लीटर से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मोलों की संख्या दिया हो और आयतन में बदलना हो तो देखिए क्या करेंगे, मोलों की संख्या दी हुई है और आयतन में बदलना है तो आप बस यहाँ भाग दिया है, यहाँ गुणा कर दीजिए 22.4 लीटर का गुणा कर दीजिए। तो मोलों की संख्या अगर दी हुई है और आयतन पूछा जा रहा है, मोलों की संख्या दी हुई है आयतन पूछा जा रहा है तो आप मोलों की संख्या में इतने से गुणा कर दीजिए। तो जो प्रश्न गलत होते हैं वो यहाँ पर गलत होते हैं, आयतन दिया होगा मोलों की संख्या पूछेंगे, मोलों की संख्या दिया होगा आयतन पूछेंगे, मोलों की संख्या दिया होगा अणुओं की संख्या पूछेंगे, अणुओं की संख्या दिया होगा तो मोलों की संख्या पूछेंगे। हाँ अगर मान लीजिए आयतन दिया हो और अणुओं की संख्या पूछ ली जाए तो पहले आयतन से क्या करेंगे, आयतन से मोलों की संख्या बनाएंगे, मोलों की संख्या से अणुओं की संख्या बना लेंगे, सिंपल। इसके बाद बेटा अब देखिए एक मोल कितनी संख्या होती है, 6.02 × 10²³। देखिए एक मोल की संख्या कितनी होती है,
6.02 × 10²³। जैसे हम कहें एक दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन का मतलब 12 होता है, एक दर्जन केला का मतलब 12 केले, उसी तरह से एक मोल का मतलब इतना और एक मोल परमाणु का मतलब कितना। तो 6.02 × 10²³ परमाणु। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।